पीएचपी की बुराई तो आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे यूज केसेस बताऊंगा जहां पर पीएचपी शाइन करती है। सबसे पहले अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है, पीएचपी डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर एम्बेड हो जाती है जिससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर आप लोग नोड जेएस, फ्लास्क, रिएक्ट, एंगुलर किसी भी तरह के फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा बहुत सेटअप उस पर लगता है और बिगिनर्स का फंसना वहां पर बहुत ज्यादा लाइकली होता है। दूसरा ये कि MySQL डेटाबेस के साथ पीएचपी बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होती है, तो अगर आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है या सिंपल सी वेबसाइट है जो कि शायद कुछ ईमेल्स को या फिर शायद सिर्फ एक कॉन्टेक्ट फॉर्म को सबमिट कर रहा है तो बहुत इजी हो जाता है। वही बात आ गई कि एक मच्छर को मारने के लिए स्लेजहैमर का इस्तेमाल क्यों करें। इसके बाद ये ओपन सोर्स है, इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बढ़िया है और पीएचपी आज भी यूज की जा सकती है, आपकी एप्स में कोई भी दिक्कत नहीं है पीएचपी यूज करने में।